नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भूकंप को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के दक्षिण सिंजियांग में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। वहीं दोस्तों, EMSC ने कहा कि भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 8 किलोमीटर की गहराई में था। इधर पश्चिम नेपाल के जाजरकोट में सोमवार को 4 से अधिक तीव्रता के भूकंप के झटकों से कम 16 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले दोस्तों, शुक्रवार को देश में 8 साल का सबसे भयानक भूकंप आया था। उस वक्त 160 लोगों की जान चली गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार को कहा कि भूकंप के दोनों झटकों में घायलों की संख्या लगभग 300 हो गई है। पश्चिम नेपाल के जाजरकोट में सोमवार दोपहर को 4 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन इससे पहले भयंकर से अति भयंकर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई थी। सबसे ज़्यादा तबाही जाजरकोट और रुकुम जिलों के अंदर मची थी। भूकंप से 415 स्कूल धराशायी हो गए हैं और 24 छात्रों की जान भी चली गई है। बता दें कि नेपाल में जाजरकोट के रामी डाडा में गत शुक्रवार रात आए भूकंप के कारण पश्चिम इलाकों में कम से कम 415 स्कूल पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, जिसमें लगभग 24 छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई है। दोस्तों, करनाली प्रांत के समाज विकास मंत्रालय के सचिव भोजराज काफले ने कहा कि जाजरकोट में 349 स्कूल और रुकुम पश्चिम में 66 स्कूल पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सुनाई है। पृथ्वी पर लगातार भूकंप की घटना देखी जा रही है, जिससे लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं और अब चाइना के अंदर भी भूकंप आ गया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार नेपाल और भारत में भूकंप आ रहा है। इसके अलावा भी अन्य देशों के अंदर भूकंप की घटना देखी जा रही है। पृथ्वी पर उथल पुथल मच रही है। कहीं पर तूफान चल रहा है तो कहीं पर भयंकर से अति भयंकर भूकंप आया हुआ है। इस समय केन्या सोमालिया में भारी बारिश से भयंकर से अति भयंकर तबाही मच रही है। आप सभी से विनती है कि भूकंप आए तो सेफ स्थान पर चले जाएं, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।